प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बिहार बीपीएससी की अगर हम बात करें, बीपीएससी प्राइमरी टीचर की यानी पीआरटी की, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिहार की लोक संस्कृति, बिहार के बारे में, बिहार की नदियाँ, बिहार की परियोजनाएँ, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, इन सभी चीज़ों पर आप अध्ययन कर लें। हम बिहार से संबंधित यह आपका फोर्थ नंबर का वीडियो है और आपने दो नंबर और तीन नंबर के वीडियो को अच्छी सराहना दी है, आप सबका प्रेम मिला और बहुत अच्छा लगा। हमने उसमें 1000 व्यू और जो हैं 500 लाइक का टारगेट रखा था, लेकिन आप सबने जो हैं उसमें अभी तक तो व्यू आपके 500 हैं और लाइक भी लगभग आपके 200-250 लाइक हैं। तो आप सब और प्रेम से इन वीडियो को आगे बढ़ाइए। आज के इस वीडियो का हम व्यू जो है 1K रख रहे हैं व्यू का टारगेट, और जो लाइक का टारगेट है वो 500 हम मान के चल रहे हैं, ताकि आप सब लोग इसे तेज़ी से आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में, बिहार की नदियाँ। और आप मान चलें कि आपके एग्जाम में दो प्रश्न पक्का है, यहाँ से आना है। और इसका पीडीएफ मैंने आपसे कहा था कि पूरी तरह से निःशुल्क है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फ़ोन करके या हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके इसके बारे में, आप पीडीएफ के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ जो है नहीं, तो आप बुक परचेज कर लिए, घटना चक्र की बुक से मैं आपको सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके सामने ये है पूरा पीडीएफ। अब हम लोग पहले बात करेंगे गंगा नदी का। आप देखिए, जैसे बिहार आपका चतुर्भुजाकार स्थिति में है, बिहार ऐसे ही आपका है, तो बिहार का यहाँ पे ये थोड़ा सा हिस्सा आपका आ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बिहार छोटा सा बनाए तो ये आपका बिहार है, और ये बिहार जाकर के थोड़ा सा गया में ऐसे झुका हुआ है, और फिर ऐसे आपका बिहार। इस बिहार के मध्य से एक नदी गुजरती, जिस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी की वजह से बिहार का ऊपरी हिस्सा हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं ना। कौन सा हिमालय कहते हैं तो इसको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा हिमालय इसे कहा जाता है। सह्याद्री कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, कौन सा हिमालय कहा जाता है तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आपका बिहार के ऊपरी हिस्से में हिमालय, और निचला हिस्सा झारखंड से जुड़ा हुआ है, और बीच में से गंगा नदी। तो गंगा नदी के कटान के कारण यहाँ पे जो है ये हिस्सा गहरा हो गया है, ये हिस्सा भी ऊँचा है और यह हिस्सा भी ऊँचा, यानी बिहार जो है ऐसा हिस्सा बीच में खाली स्थान है और दोनों तरफ से ऊंचाई है। अतः बहुत सी नदियां उत्तर तरफ से, एक गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार आप कह सकते हैं। यानी उत्तरी बिहार में बहुत सी नदियां, गंडक है, गंगा है, ठीक है, गंगा तो बीच से जा रही, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, यहाँ पर कोसी है, और बहुत सी नदियाँ यहाँ पर आती हैं बिहार में। उसी प्रकार से दक्षिण तरफ से भी, झारखंड की तरफ से और मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत सी नदियां बिहार में प्रवेश करती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता, लेकिन बिहार से आने वाली कई नदियां, मध्य प्रदेश बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता, लेकिन मध्य प्रदेश से आने वाली कई नदियाँ बिहार में प्रवेश करती हैं। तो एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी आप सभी लोग जानते हैं, गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं और वहाँ से जो है ये बहती हुई आपकी आती हैं उत्तर प्रदेश होती हुई बिहार में प्रवेश करती हैं। बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती, पूरे भारत में गंगा नदी 2525 किलोमीटर की एरिया लेके बहती है। गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांट देती है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या कह दिया गया। कह रहा है कि बिहार में प्रवेश होता चौसा बक्सर जिला के पास, चौसा नामक स्थान से गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, मध्य बिहार को पश्चिम से पूर्व की ओर, मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी पश्चिम तरफ से आती हुई उत्तर प्रदेश, पश्चिम तरफ से गंगा नदी बिहार में इंटर करती है और पूर्व दिशा में निकल जाती है। बिहार में अगर झारखंड सहित बात करें तो कुल 445 किलोमीटर की जो है लेंथ है। बिहार का प्रवाह क्षेत्र जो है लगभग 15,205 वर्ग किलोमीटर है। आपसे जो यहाँ पूछा जाएगा, गंगा नदी पूछा जाएगा बिहार में किस दिशा से किस दिशा में बहती है, तो आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। किस जिले में प्रवेश करती है, बक्सर जिला में प्रवेश करती है। कौन से स्थान से प्रवेश करती है, चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। आप गंगा नदी में उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ, उत्तर की तरफ से मतलब ऊपरी हिस्से से आने वाली नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो आकर के मिलती हैं। घाघरा, जिसे हम लोग सरयू कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ये घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती गंगा से। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ठीक है, महानंदा और जो है बया नदी, ये पाँच नदियाँ, पाँच नहीं,
कितनी नदियां होगी? घाघरा यानी सरजू एक, गंडक दो, बूढ़ी गंडक तीन, कोसी चार, महानंदा पांच। महानदी नहीं, महानंदा है, याद रखिएगा। महानदी वहां बहती, क्या नाम है, महानदी कहाँ बहती है तो आप बताइएगा, महानदी कहाँ बहती है? तो महानदी बहती है आपके आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बया नदी। तो टोटल हो गई तीन इधर है, तीन ऊपर है, छह नदियां जो है गंगा नदी में बिहार में उत्तर तरफ से आकर के मिलती हैं। वहीं पे अगर हम बात दक्षिण तरफ से आने वाली नदियां जो दक्षिण तरफ से आके संगम बनाती है, तो इसमें सोन है, पुनपुन है, सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है, क्यूल है, फल्गु है। फल्गु वही नदी जिसका निरंजना नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद काओ थोरा है, धर्मावती है, और उसके बाद नंगी है, गंगी है, गंगी गंगी है, उसके बाद बदुगा नदी है। एक कुछ नदियां हैं जो दक्षिण तरफ से आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि मध्य का हिस्सा जो है वो ढलान है, और दोनों सिरा मध्य जो बिहार का है वो ऊंचाई पे, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ से नदियाँ आकर के प्रवेश करती हैं। आपको एक बात यहाँ पे और बता दें, गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले स्थित हैं, और इन 12 जिलों का नाम आपसे अक्सर पूछा जाता है, जैसे भोजपुर है, सारण है, बक्सर है, वैशाली है, पटना है, बेगूसराय है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, कटिहार है, भागलपुर है, लखीमपुर है, और मुंगेर। ये 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पे हैं। आपको ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा, निम्न में से कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आपको देख के बताना पड़ेगा कौन सा नहीं है। तो आप इन सबको याद रखेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। 12 जिले हैं, भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर। ये 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के साथ, मतलब गंगा नदी पर अवस्थित हैं। बिहार, एक गंगा नदी हो गई जो मध्य से गुजरती, गंगा नदी बड़ी नदी है, गंगा नदी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब छोटी छोटी नदियां आती हैं, देखते हैं एक एक नदी है। पहली नदी है यहाँ पे गंडक नदी। गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती वाल्मीकि नगर से पश्चिमी चंपारण में। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। अन्य नाम इसे काली गंडक कहते हैं, सदानीरा कहते हैं, गंडकी कहते हैं, नारायणी कहते हैं, सालिग्रामी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिन पत्थर से पूजा किया जाता है सालिग्राम का। वह पत्थर पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सालिग्रामी पत्थर भी कहा जाता है। बिहार में इसके बाद इधर आते हैं। उसके बाद ये जो है प्रवाह मार्ग इसका है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीवान, मुजफ्फरपुर जिला तक ये बहती है। संगम बनाती गंगा नदी के साथ हाजीपुर में। हाजीपुर में गंडक नदी गंगा नदी के साथ संगम बना लेती है। विशेष क्या, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा का निर्धारण करती कौन नदी? गंगा नदी, माफ करिए, गंडक नदी। गंडक नदी बिहार का और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन नदी करती? तो गंडक नदी करती, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। गंगा नदी के साथ गंडक नदी कहाँ पे जो है संगम बनाती, तो आप कहेंगे हाजीपुर में संगम बनाती है। गंडक नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती, तो आप कहेंगे वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। सालिग्रामी किस नदी को कहा जाता है? सालिग्रामी गंडक नदी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। दूसरी नदी घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में इसे सरयू कहते हैं, और अयोध्या जो आप भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, सरयू नदी के तट पर विराजमान है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बड़हलगंज एक जिला जो है आपका दोहरी घाट है, ये भी सरयू नदी के तट पर, रामबाग ये सरयू नदी के तट पर, तो ये जो है आपका पहुँच जाता कहाँ पे, ये पहुंच जाता है जो है बिहार में। सरयू नदी कहाँ पहुंचती है? बिहार में, और बिहार में प्रवेश करती गुठनी नामक सीवान जिला में, गुठनी नामक स्थान से। 83 किलोमीटर की ये वहाँ पे प्रवाह क्षेत्र है। प्रवाह कहाँ पे? सीवान और सारण में है। संगम बनाते हैं रेवलगंज सारण में, गंगा नदी के साथ संगम बनाती है सरयू नदी। और जो है इसका विशेष क्या है, प्रायः मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा का निर्धारण यह भी करती हैं। सहायक नदी इसकी राप्ती है, महाकाली है, महाकाली नदी है। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक कौन है? बूढ़ी गंडक जो है चौतरवा विशंबरपुर पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती हैं। बिहार में 320 किलोमीटर की लंबाई है। सहायक नदियाँ मसान है, बलोर है, ठीक है, पंडई है, सिकिस्ता है, तिलवे है, थ्यूर है, धनौती है, कोहरा है, दंदा है, ये जो है इसकी जो सहायक नदियां हैं। संगम बनाती गंगा नदी में, खड़गिया के निकट में ये संगम बनाती हैं। विशेषताएं होती, बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है।
उत्तरी बिहार में तीव्रतम प्रवाह वाली यह नदी मानी जाती। कौन सी उत्तरी भारत में सबसे तेजी से प्रवाह करने वाली बूढ़ी गंडक मानी जाती, याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे है कोसी नदी। कोसी नदी आप सब जानते हैं, अन्य नाम इसका बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। कौशिकी ऋग्वेद में इसे कहा गया सप्तकोसी, इसे नेपाल में कहा जाता है। जो कोसी नदी है नेपाल में इसे सप्तकोसी कहते हैं, और जो है ऋग्वेद में इसका नाम कौशिकी नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक नाम से अन्य नाम इसके हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं। बिहार में प्रवेश करती भीमनगर से सुपौल जिला में ये प्रवेश करती, भीमनगर से सुपौल जिला में प्रवेश करती है और यहाँ पे संगम बनाती गंगा नदी के कुर्सेला कटिहार जिला में। सहायक नदियाँ इसकी कौन है, बागमती है, अरुड़ है, तामूर है, सुनकोसी है, कमला बलान है, दुग्ध कोसी है, और उसके बाद तामा कोसी, इंद्रावती है, लिखुलेखा जो है इसकी, लिखुखोला इसकी। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर हो जाती है। अगली नदी है आपकी बागमती नदी। उद्गम स्थल शिवपुरी श्रेणी नेपाल में है और बिहार में प्रवेश करती है सेरावती ग्राम ढेक सीतामढ़ी जिला से ये प्रवेश करती है। कोसी के साथ संगम बनाती है बदलापुर घाट पे। बिहार की लंबाई, बिहार में इसकी लंबाई हो जाती 394 किलोमीटर और ये लाल बकैया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा, कोला नामक इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। कमला नदी, कमला नदी का उद्गम स्थल जो है महाभारत श्रेणी नेपाल है, ठीक है, नेपाल की महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। बिहार में ये मधुबनी जिला में जयपुर नगर में जाकर के प्रवेश करती हैं। ये बिहार में मधुबनी जिला में संगम बनाती बागमती नदी के साथ बदलापुर घाट पे खड़गिया जिला में। और उसके बाद बिहार में इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 120 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसकी सोनी है, ढोरी है, बलान है, त्रिशूल है और मैनावती है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और उसके बाद विशेष क्या है, मिथ्यांचल, मिथिलांचल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कौन सी मिथिलांचल की सबसे पवित्र नदी है, आपकी कमला नदी। महानंदा नदी, महानंदा नदी ये जो है कहाँ से उद्गम होता है, महल्दी राम पहाड़ी से दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है, सिक्किम में, सिक्किम के दार्जिलिंग में महल्दी राम पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। बिहार में प्रवेश करती किशनगंज जिला में, या बिहार में प्रवेश करती है। संगम होता गंगा नदी के तट पे और गोडागारी घाट बांग्लादेश में। सहायक नदियां होती मेची, बलासोन, कंगई, रेवती, उसके बाद त्रिनोई और रानो चौंदी जो है इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। बिहार में 376 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह नदी बहती है, नाम है महानंदा नदी। फल्गु नदी जिसे निरंजना नदी के नाम से या लीलाजन नदी के नाम से या मोहन नदी के संगम पे गया बिहार में पाई जाती हैं। उद्गम स्थल है इसका, ठीक है, फल्गु नदी का मुहाना बनाती पुनपुन नदी में, बाल ताल क्षेत्र में पुनपुन नदी में मुहाना बनाती। ये दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ शुरू हो गई हैं। शाखाएँ हैं धोधर में, खूरी में, लौकायन में तथा धनसजा में, इसकी धनराजी में इसकी सहायक नदियाँ होती। विशेष क्या, इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में इसी नदी में पिंडदान किया जाता है गंगा में। आप देखे होंगे कई लोग पिंडदान करने गंगा में जाते हैं तो इसी नदी पर पिंडदान करते हैं। दक्षिण बिहार की नदियाँ, एक नदी तो वहाँ पे आपकी हो गई, अभी दोबारा दोहरा देंगे फल्गु को, सोन नदी। दक्षिण बिहार की अगर नदियों की बात करें तो कौन नदी है, सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है, रोहतास जिला से, संगम बनाती गंगा नदी के साथ पटना मुनेर में। बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर होती। सहायक नदियाँ इसकी गोपद है, रिहंद है, बनास है, कन्नर है, उत्तरी कोयल है। पुनपुन नदी जो है उद्गम पलामू श्रेणी है झारखंड में, और ये जो है बिहार में गया जिले में प्रवेश करती है। गंगा और गया, औरैया, जहानाबाद, अरवल और पटना जिला में बहती है। गंगा नदी के साथ संगम बनाती है फतुहा नामक स्थान पे पटना में। सहायक नदियां हैं मादर है, बिलोरो है, मोरहर है, बर्धा है, रामरेखा है और बुताबे, इसकी जो सहायक नदियां हैं पुनपुन की, वो कौन, जो पूरी लंबाई है पुनपुन की 235 किलोमीटर है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं फल्गु नदी, फिर से फल्गु नदी पढ़ लेते हैं। इसका उद्गम कौन है, निरंजना नदी, लीलाजन नदी है और ये मोहन नदी संगम गया बिहार में निकलती है। मुहाना कौन है, पुनपुन नदी ताल क्षेत्र से निकलती है, ठीक, पुनपुन नदी में अपना मुहाना बनाती, मतलब पानी गिराती ताल क्षेत्र में। धोधर, खुरी, लौकायन और धनराजी इसकी जो है शाखाएँ हैं। विशेष है किसी नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पितृपक्ष में यहीं पे पिंडदान किया जाता है।
उसके बाद उद्गम, ये कौन सी नदी? अजय नदी है। अजय नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अजय नदी का उद्गम स्थल है बटपाड़, जमुई जिला बिहार में, और संगम भागीरथी नदी के साथ होता है पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी है जो बिहार में सीमा साझा नहीं करती है, तो आपका हो जाएगा कौन सी, ये संगम बनाती भागीरथी से पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे बिहार में प्रवाह होता है जमुई मुंगेर जिला में इसका प्रवाह होता है। सकरी नदी, सकरी नदी कौन सी? उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, गोविंदपुर में के निकट नवादा नामक स्थान पर ये बिहार में बहती हैं। बिहार में प्रवाह होता है नवादा, पटना, गया, मुंगेर जिला, इन सब में संगम गंगा नदी में बनाती हैं, क्योल क्षेत्र के साथ संगम बना लेती हैं। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी जो है उद्गम कैमूर पर्वत बिहार से होता है, संगम नदी गंगा नदी में चौसा बक्सर में बनाती हैं। विशेष क्या है? अशुभ और अपवित्र नदी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। कर्मनाशा नदी अशुभ नदी के नाम से इसे जाना जाता है। चानन नदी, चानन नदी का अंत नाम पंचानन है और उद्गम क्या है? छोटा नागपुर पठार है। प्रमुख शाखाएं इसकी कौन सी? प्रमुख धाराएं हैं तिलैया, पैमार, धनराजे और महाने, आपस में संगम बनाते गिरियक नालंदा जिला में। उद्गम जो है इसका क्यूल नदी का, क्यूल नदी का उद्गम जो है ये है उद्गम है गिरिडीह जिला झारखंड में है। सहायक नदियां बर्नर है, होरहर है और अंजन है। बिहार में प्रवेश होता सतपहाड़ी जमुई जिला से और इसका जो संगम है वो गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय जिला से इसका संगम हो जाता है। आगे आ जाते हैं, कुछ फैक्ट दिए गए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आपके पूछे गए प्रश्न हैं वो है आपका, सिकराना नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंडक के नाम से। डेहरी बांध स्थित है सोन नदी पर। बांध आगे हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, बांध के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्र नदी कौन सी होती है? बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी बागमती है। मेची सहायक नदी किसकी? महानंदा की मेची जो है सहायक नदी होती है। देवहा और गोगरा अन्य नाम है घाघरा नदी के। देवहा और गोगरा जो है घाघरा नदी के अन्य नाम है। सरजू नाम भी घाघरा नदी का ही है। बिहार में गंगा को उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी किस कौन सी नदी मिलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी सबसे लंबी नदी होती है सहायक नदियों में। लखनदेही और कर्नाली नाम से जानी जाने वाली नदियां, लखनदेही कर्नाली नाम से घाघरा नदी जानी जाती है। उसके बाद अब्दुल बारी पुल स्थित है सोन नदी पर। अब्दुल बारी पुल स्थित है सोन नदी के अन्य नाम है हिरड़ेवाह और सोनभद्री नदी। तो ये हो गया आपका आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार की नदियों के बारे में जाना है। आप भरोसा कर लीजिए कि आपके एग्जाम में दो प्रश्न 100% यहां से आने वाले हैं। कोई रोक नहीं सकता है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से नोट कर लें, इसी तरह से चार्ट पेपर बना करके आप इसको याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।